बड़ी और अहम खबर आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। कैंसर से पीड़ित थे सुशील कुमार मोदी, और आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। 72 साल की उम्र में सुशील मोदी ने आखिरी सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी के कद्दावर नेता बिहार से, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैंसर से पीड़ित थे, अब से कुछ ही देर पहले एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कैंसर से पीड़ित थे सुशील कुमार मोदी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि भूषण, और क्या जानकारी मिल रही है? काफी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था कैंसर का। बिल्कुल चल रहा था, और काफी अर्से से राजनीतिक तौर पे भी सक्रिय नहीं थे सचिव। और बीते 3 अप्रैल को सुशील मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये पिछले 6 महीने से कैंसर से जूझ रहे हैं, और आखिरी बार जब वो पटना आए थे तो हम लोगों की मौजूदगी रही थी पटना एयरपोर्ट पे, तो उनकी स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगा था कि सुशील मोदी शायद बहुत लंबे वक्त तक सक्रिय रह पाएंगे। और आज देखिए ये दुखद खबर आई है। अब दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था और वहां से ये जानकारी आई कि उन्होंने अंतिम सांस ली है, और कल उनका पार्थिव शरीर जो है वो पटना लाया जाएगा। पटना में राजेंद्र नगर में उनका पैतृक आवास है, वहीं पर जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और बिहार की राजनीति में बड़ी लंबी लकीर सुशील मोदी ने खींची। पहली दफे वो 8 साल तक डिप्टी सीएम रहे, 2005 से लेकर 2013 तक नीतीश कुमार के साथ जब बीजेपी ने सरकार बनाई, वो नीतीश कुमार और सुशील मोदी की ही जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। और लंबे अरसे तक वो डिप्टी सीएम रहे, 8 साल तक लगातार, और वित्त मंत्री भी रहे। फिर बाद में 2017 में जब नीतीश कुमार की वापसी हुई एनडीए में बीजेपी के, तो इसमें बड़ी निर्णायक भूमिका सुशील मोदी की मानी गई थी। और तब 2017 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव होने तक वो बिहार के फिर से उप मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। बिहार की राजनीति में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनको माना जा सकता है कि एक लैंडमार्क उन्होंने शेयर किया, और पटना यूनिवर्सिटी से छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में सक्रिय हो गए थे वो, और बाद में उन्होंने हर सदन के लगभग सदस्य रहे सुशील मोदी। बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, इसके अलावा लोकसभा के भी सदस्य रहे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे जी। तो ये बहुत कम होता है कि राजनीतिक पारी आप जब अभी खेलते हैं तो उसमें आपको सभी सदनों में जाने का अवसर मिलता है। तो बिहार के दोनों सदनों के अलावे जो राष्ट्रीय स्तर के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में वो सदस्य के तौर पे उनकी भूमिका रही, और सभी नेताओं ने बड़ा दुख व्यक्त किया है सुशील कुमार को। बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए।